गरीब का क्रिसमस। मार्था के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मार्था, उसका पति जॉनी और दो प्यारे बच्चे मैरी और डेविड। जॉनी एक चर्च के बाहर मोमबत्ती और फूल बेचा करता था, जिसकी बिक्री के बदले में जो 4 पैसे उन्हें मिलते, उन्हीं से घर का गुजर बसर चलता। कम आमदनी में भी मार्था के परिवार में खुशियों की बड़ी चहल पहल थी। मगर कुछ वक्त बाद जॉनी दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। जॉनी के ऐसे चले जाने से मार्था का चेहरा मुरझा गया था, साथ ही उसके बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरे पर मायूसी का मंजर छा गया। गॉड जीसस, ये कैसी गरीबी है कि एक माँ अपने बच्चों के खातिर पेट भर दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही। रो मत माँ, आपको याद है चर्च के फादर हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी दुख हमारे घर का द्वार खटखटाते हैं या जीवन में दस्तक दे जाए तो हमें आंसू नहीं बहाना बल्कि प्रे करना है। अपनी बेटी मैरी में सूझबूझ भरे शब्द सुनकर मार्था के आंसू बहना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद मार्था अपने भूखे प्यासे दोनों बच्चों डेविड और मैरी के संग चर्च आकर घंटों घुटनों पर जीसस से मन ही मन प्रे करती है। जीसस, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मगर इन्हें खिलाने के लिए मेरे पास एक दाना भी नहीं। मार्था की आंखों से बहते दुख को देखकर फादर थॉमस उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हे माय चाइल्ड, व्हाट्स हैपेंड? फादर, मेरे पति जॉनी हमें छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे पिछले 2 दिन से भूखे हैं, मगर मुझ गरीब माँ के पास एक खोटा सिक्का तक नहीं जो मैं इन्हें खाना खिला सकूं। डरती हूँ कि कहीं इन्हें, जिन्हें कोख में रख कर गोद से पांव पर खड़ा किया, वह भूख के कारण मौत का कौर ना हो जाए। जीसस ऐसा क्यों कर रही हैं? माय चाइल्ड, इसके पीछे जीसस का जरूर कोई खास मकसद होगा। ये कुछ पैसे लो। शुक्रिया फादर। इसी के साथ मार्था अपने बच्चों की बाह थामे बाहर की ओर बढ़ जाती है। तभी भूख से तमतमाते हुए उसके बच्चों के कदम एक खाने के ठेले पर रुक जाते हैं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मार्था दुकानदार को पैसे देकर कुछ खाना मोल लेती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे ललक पड़ते हैं। तभी डेविड अपनी माँ के फीके मुरझाए चेहरे को देखकर उसकी भूख भांप जाता है। माँ, 2 दिन से आपने भी तो खाने का एक दाना भी नहीं खाया, आप भी खाओ। थोड़ी देर बाद मार्था अपने बच्चों के लिए घर लौट आती है। अगली सुबह मैरी कैलेंडर देखकर खुशी से इचलाती हुई कहती है, देखो माँ, दिसंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस आएगा और सेंटा इस बार भी हम दोनों भाई बहन के लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। हम केक खाएंगे और बड़ी सी पार्टी करेंगे। मैरी की आंखों में नाच रहे क्रिसमस मनाने के ख्वाब को देखकर मार्था मन में कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैरी कि हर साल सेंटा के भेष में आने वाला शख्स तुम्हारे डैडी थे जॉनी, जो हमें छोड़कर जीसस के पास जा चुके हैं। आज से दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका है, कुछ ही दिन बाद क्रिसमस आने वाला है। खाने पर खर्च करने के बाद मेरे पास सिर्फ यही पैसे बचे खुचे हैं, इससे क्या ही होगा। मार्था खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि उसके बच्चे उसकी बढ़ती परेशानी के पैमाने को देखकर बोल पड़ते हैं, माँ, इन थोड़े पैसों से क्यों ना हम क्रिसमस ट्री बनाकर बाजार में बेचे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मार्था बचे खुचे पैसों से कुछ ग्लेस पेपर और गोटे और लड़ी मोल लेकर घर आती है और जीसस से प्रे करके क्रिसमस ट्री बनाने लगती है। इस बीच उसकी आंखों में अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने की छवि उभर जाती है, मगर खुली आंखों से देखा ख्वाब सच कहाँ होता है। सुबह से शाम तक मार्था कई सारे क्रिसमस ट्री तैयार कर लेती है, जिसे देखकर उसके बच्चे मार्था की बड़ाई करके उसका साहस बढ़ाते हुए बोलते हैं, अरे वाह माँ, कितना अद्भुत क्रिसमस ट्री बनाया है आपने। हाँ माँ, ये क्रिसमस ट्री तो एकदम असली के जैसा जगमग कर रहा है। बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ इन्हें बेचने, तुम अपना ख्याल रखना। मार्था उन क्रिसमस ट्री को झोले में भरकर बाजार के नुक्कड़ पर बैठी उन क्रिसमस ट्री को सजा धजा कर ग्राहकों को बुलाहट लगाने लगती है, क्रिसमस ट्री ले लो, सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री ले लो, आओ आओ प्यारे बच्चों, क्रिसमस ट्री खरीदो और खुशियां मनाओ। गरीब मार्था ग्राहकों को बुलाहट लगा ही रही थी कि स्मिथ नाम का एक शख्स जो अपने बेटे के साथ वहां से गुजर रहा था, तभी एंथनी के पांव वहीं थम जाते हैं। वो देखो डैडी, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री है, मुझे वो चाहिए। सचमुच एंथनी, वो बहुत ही सुंदर है, इस क्रिसमस ट्री की क्या कीमत है? एक क्रिसमस का पेड़ 50 रुपए का है। ठीक है, 2 दे दीजिए। मार्था को उसके बड़े श्रम के लिए 100 रुपए की शुरुआती कमाई होती है। काफी देरी बाद भी मार्था
जाड़े में उस जमीन पर बैठी बाजार में आ जा रहे ग्राहकों को बड़ी बुलाहट लगाती है और देर रात तक घर आती है। समय का चक्र बीतता है जिसके साथ 15 दिन का पड़ाव पार हो जाता है। बाजार से लौटते हुए मार्था रोजाना पैदल चलकर चर्च आती है और घुटनों पर घंटों बैठकर आंसू बहाते हुए प्रे करती है। जीसस, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मगर मुझे कुछ खास प्रतिफल नहीं मिल रहा। क्रिसमस के पेड़ बनाकर बेचकर भी खास कमाई मेरे हाथ नहीं आ रही। ऐसे कैसे मैं अपने मासूम बच्चों को क्रिसमस पर केक खिलाऊंगी, उनके लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी। मेरी मदद करो गॉड, ताकि इस गरीबी में मेरा अंधेर घर भी क्रिसमस की जीती रोशनी से जगमगा उठे। मार्था के आंसू जैसे ही जीसस की मूर्ति को भिगोते हैं, मानो जीसस की मूर्ति जागृत हो जाती है। तभी फादर उसके पास आते हैं। गॉड ने तुम्हारी सुन ली मार्था, उनसे मिलो, ये पीटर है। मैंने आपको बाजार में देखा था, मुझे आपके क्रिसमस ट्री की कारीगरी बेहद पसंद आई। दरअसल मैं हर साल क्रिसमस पर गरीब बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, क्या आप मेरे लिए वो क्रिसमस ट्री बनाएंगी? इसे गरीब बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट मिल जाएगा और एक गरीब माँ को क्रिसमस की खुशी खरीदने के लिए कमाने का निश्चित अवसर। ये सुनकर मार्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह मन ही मन जीसस को शुक्रगुजार कर रही थी। उसकी आंखों के आगे उसके गरीब बच्चों की छवि झलक पड़ती है। गरीब मार्था बिना रुके थके क्रिसमस ट्री बनाती है। वहीं दूसरी ओर उसके गरीब बच्चे आस की गांठ बांध कैलेंडर के एक एक दिन को देखते और क्रिसमस के एक दिन पहले मार्था को उसके मेहनत का प्रतिफल मिलता है। थैंक यू गॉड, इससे मैं अपने बच्चों के खातिर क्रिसमस की खुशियां खरीद पाऊंगी। सूरज की किरण फूटने के साथ 25 दिसंबर का दिन दस्तक देता है। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। तभी मार्था के बच्चे अपने फीके घर को देखकर कहते हैं, माँ क्या सेंटा हमें क्रिसमस के उपहार देने नहीं आएगा? हाँ माँ, हर साल तो सेंटा क्रिसमस से एक रात पहले ही दरवाजे पर आ जाता था, अब की बार ऐसा क्यों? मैरी और डेविड की बात से मार्था का दिल पसीज जाता है और उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और उसकी आंखों के आगे जॉनी की छवि उजागर हो जाती है। मार्था मर्म रुझान में कहती है, बच्चों इस साल सेंटा नहीं आएंगे। मगर क्यों? क्योंकि सेंटा सितारों के आगोश में समा गए हैं, अब वह आसमान में चमकेंगे बिल्कुल इन क्रिसमस ट्री की रंग बिरंगी रोशनी बनकर। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें तोहफा दूं। ये रहा तुम्हारा क्रिसमस का उपहार। अरे वाह माँ, ये पिंक फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ माँ, मेरी भी शर्ट बहुत सुंदर है। ये यप्पी। मार्था से मिला गिफ्ट देखकर गरीब बच्चों का मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल उठता है। वह शाम को नए कपड़े पहनकर मार्था के हाथों बनाया केक काटकर क्रिसमस मनाते हैं। मार्था के घर से गरीबी गायब तो नहीं हुई थी, मगर उसके मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और मार्था ने भी जॉनी के जाने के एक वक्त बाद जीना सीख लिया था। अरे बहू जल्दी चल, मंदिर जाने का समय हो गया है। अभी आई माँ जी। सीमा पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, चलिए माँ जी मंदिर चलते हैं, मैंने गरीब बच्चों के लिए खाना पैक कर लिया है, उन्हें आते समय खाना भी खिला देंगे। लक्ष्मी और सीमा दोनों ही अच्छे परिवार से थी। लक्ष्मी का बेटा सौरभ एक अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। वहीं सीमा भी घर में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। लक्ष्मी और सीमा दोनों ही हर सोमवार के दिन मंदिर जाकर गरीब बच्चों को खाना खिलाते और उन्हें कपड़े देते थे। इस बार भी वो दोनों मंदिर में गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए पहुंच जाती हैं। पूजा के बाद जैसे ही वो दोनों मंदिर से बाहर की तरफ निकलती हैं, वो कुछ बच्चों को एक साथ एक छोटा सा सर्कस करते हुए देखती हैं। आओ आओ मेरे साथियों, पब्लिक को सर्कस दिखाओ। आओ मेरे साथियों, पब्लिक को सर्कस दिखाओ। राजू के इतना कहते ही उसके सभी साथी एक एक करके अपना कमाल दिखाने लगते हैं। कोई छोटी छोटी बोलों को आसमान में उड़ाता है, तो कोई टायर के ऊपर चलकर सर्कस दिखाता है, तो कोई जलती हुई रिंग के अंदर से छलांग मारता। ये सब देखकर सीमा और लक्ष्मी हैरान रह जाते हैं। तभी सीमा अपनी सास लक्ष्मी से कहती है, अरे माँ जी जरा इन्हें देखो तो सही, इन बच्चों में कितना सारा टैलेंट कूट कूट कर भरा है। हाँ हाँ सही कह रही हो, तिनके को सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना इन तिनकों को सहारा हम दोनों मिलकर बने। क्या मैं जो सोच रही हूँ आप भी वही सोच रही हैं इन्हें देखकर? हाँ हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, अगर हम इन गरीब बच्चों को एक राह दिखाएं तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें इनके साथ मेहनत करनी होगी तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। उन बच्चों का सर्कस खत्म होने के बाद सीमा और पार्वती उन बच्चों से बात करने के लिए उनके पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों उन बच्चों से कहती हैं, देखो बच्चों तुम बहुत टैलेंटेड हो, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो?
इस गरीबी की मिट्टी में पैदा होकर अगर तुम सभी इस गरीब की मिट्टी में ही मिल जाओगे तो फिर तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम इस गरीबी की मिट्टी से निकलकर कुछ बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। आओ हमारे साथ, हाथ थामो हमारा। नहीं नहीं, हम आप लोगों के ऊपर भरोसा कैसे करें? आप नहीं जानती कि हमने क्या क्या देखा है। यहाँ पर कोई लोग आते हैं जाते हैं, और इसी तरह हम गरीब बच्चों को बहकाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उसके बाद हम बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। मेरा एक छोटे से भाई था, एक आदमी आया और उसको चॉकलेट दिखाकर ले गया। कुछ दिनों बाद उसे इसी जगह हमें उसकी लाश मिली। आप लोग भी हमारे साथ बुराई करोगे, हम आप लोगों के साथ नहीं आएंगे, हमें अकेला छोड़ दो। उन सभी बच्चों की बात सुनने के बाद सीमा और लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है तेरा? आखिर बेचारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू उन्हें ऐसे हालात दिखा रहा है? सुनो बच्चों, हम तुम्हारा कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। हम रोज तुम्हारे साथ यही लोगों को सर्कस दिखाएंगे। जैसे जैसे हमारा छोटा सा सर्कस अच्छा होने लगेगा, हम उसे और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। सीमा की बात सुनकर सभी बच्चे उसकी बात को मान लेते हैं, जिसके बाद हर रोज लक्ष्मी और सीमा उन सभी गरीब बच्चों के साथ सड़क पर सर्कस दिखाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो दोनों उन बच्चों के सहारे बहुत अच्छा सर्कस दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। सबसे पहले सीमा और लक्ष्मी उन गरीब बच्चों को एक रहने के लिए जगह दिलाती है, जिसके बाद वहाँ उन्हें सर्कस के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू करती है और स्कूल में डाल देती है। एक दिन पार्वती और लक्ष्मी दोनों उन गरीब बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, तुम्हारे साथ जो भी बीता है हम नहीं चाहते कि वो दोबारा तुम्हारे साथ हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सर्कस में कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, आओ हम तुम्हें वहाँ ले जाना चाहते हैं। पार्वती और सीमा उन सभी बच्चों को एक सर्कस में ले जाती हैं, जहाँ कई सारे अलग अलग पालतू जानवर भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन दोनों से कहते हैं, आप दोनों बहुत अच्छी हो, आपने बिना किसी संकोच के हम गरीब बच्चों की मदद की और हमारे लिए इतने बड़े सर्कस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप दोनों ये सब क्यों कर रही हो? हम लोग तो आपके कुछ भी नहीं लगते। कहीं आप दोनों हमें अपना गुलाम तो नहीं बना दोगी? कहीं जो मेरे भाई के साथ हुआ वो मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा? मेरे बच्चों डरो मत, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, आज तुम्हें उस टैलेंट को बाहर निकालना है और दुनिया को दिखाना है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वो सर्कस नहीं, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था, जिंदगी का कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन जिसके बाद उन बच्चों की दुनिया ही बदलने वाली थी। धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे आते गए और अपना टैलेंट दिखाते रहे। जजेस सबको नंबर देते जा रहे थे, तभी उन गरीब बच्चों की टीम आती है, जिन्हें देखकर पहले तो सभी ऑडियंस हंसने लगती है। ये क्या, इतने बड़े सर्कस में इन छोटे मोटे गरीब बच्चों को लेकर क्यों आ गए हो? अरे इस सर्कस में इन बच्चों के आने की कोई औकात भी नहीं है, इन्हें अभी के अभी बाहर निकालो। हम लोगों के बच्चों में कोई टैलेंट की कमी रह गई थी क्या, जो इन सड़क छाप बच्चों को उठाकर इस सर्कस में लेकर आ गए हो? क्या पता नहीं है इस सर्कस की एक टिकट कितनी महंगी है? तभी सीमा माइक लेकर सबसे कहती है, देखिए गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, टैलेंट चाहे हमारे घर से आया या फिर सड़क छाप बच्चों के द्वारा, टैलेंट तो टैलेंट होता है। बस एक बार इन बच्चों का टैलेंट देखिए, अगर आपके शो में मजा ना आए तो आप लोगों की टिकट हम आपकी तरफ से वापस करेंगे। सीमा की बात सुनने के बाद सभी ऑडियंस वापस से चुपचाप बैठ जाती है, जिसके बाद वो बेचारे गरीब बच्चे अपना सर्कस दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई रस्सी पर 10 किलो का वजन उठाकर चलता है, तो कोई पानी में कूदकर एक तिजोरी में बंद हो जाता है और 5 मिनट के अंदर अंदर तिजोरी खोलकर बाहर आ जाता है, तो फिर कोई फॉरेन कंट्री का डांस करके ऑडियंस को दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ बैठी सभी ऑडियंस हैरान रह जाती है और आपस में बात करने लगती है। अरे वाह, इन बच्चों के अंदर तो बहुत ही अलग अलग प्रकार का टैलेंट है, मुझे तो लगा कि ये सड़क छाप बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओए पाजी, इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, अब मैं इन बच्चों को अपने सर्कस में लेकर जाऊंगा, ऐसा टैलेंट देखकर तो मेरा सर्कस पैसों में खेलेगा, पैसों में। देखते देखते सभी ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। ये सब देख कर लक्ष्मी और सीमा बहुत खुश होती है। बहू, आखिरकार हमारे गरीब बच्चों ने कमाल दिखा ही दिया। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो, टैलेंट की कदर होनी चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब।
उस दिन के बाद से वो गरीब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा और पार्वती गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा सर्कस खोल लेती है, जिसमें वो गरीब बच्चों को सर्कस सिखाती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार वो दोनों सास बहू अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है। अरे खाओ खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है आज सारा खाना। रोज रोज तुम दोनों शिल्पा के हाथों का खाकर बोर हो गए थे ना, आज मेरे हाथों का खाओ। अरे हाँ भगवान, खाना तो काफी लाजवाब दिख रहा है, खुशबू भी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, वो तो आएगी ही, मैंने जो बनाया है। ऐसा कहकर शिल्पा को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रमेश एक निवाला तोड़कर खाता है, उसके नाक कान से धुआं निकल जाता है। अरे अरे अरे, अरे राम 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 राम, ये भगवान, ये क्या कावेरी, तुमने इतनी मिर्च क्यों डाली है सब्जी में, जरा पानी दो, मेरा गला जल रहा है। ये सुनते ही शिल्पा हंसने लगती है। अरे बाबूजी, मैंने तो कहा था माँ जी से कि अब उनकी उम्र नहीं है खाना बनाने की, लेकिन माँ जी कहाँ किसी की सुनती हैं। तभी विक्रम भी एक निवाला खाकर देखता है, जिसके बाद विक्रम के मुंह और नाक से पानी निकलने लगता है। उई माँ, इतनी तेज मिर्च, अरे माँ कहीं तुमने मिर्ची की पूरी बर्नी तो नहीं पलट दी सब्जी में। अरे मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था और तुम सभी ने एक ही पल में मेरा पूरा दिल तोड़ दिया। अरे तभी तो कहते हैं जिसका काम उसको साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। देख बहू, गलती तो सबसे होती है, तो तुम लोग मेरी गलती पकड़ के मत बैठो। हाँ हाँ, अगर गलती मुझसे होती तो मुझे सूली पर ही चढ़ा देती आप। ऐसा कहकर शिल्पा रसोई में जाती है, जिसके बाद वो रसोई में दोबारा से खाना पका कर लाती है। शिल्पा के हाथों का बना हुआ खाना रमेश और विक्रम दोनों ही आराम से खा लेते हैं। वहीं कावेरी का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ जी नाराज हो गई हैं। चलो मैं उनका खाना उन्हें कमरे में ही देने चली जाती हूँ। शिल्पा खाना परोसकर अपनी सास को देने के लिए उसके कमरे में जाती है, जिसके बाद कावेरी उसे देखकर कहती है, मुझे कोई खाना नहीं खाना है, तुम अपने हाथों का बना खाना यहाँ से ले जाओ, जो मैंने बनाया है मैं वही खाऊंगी। अरे क्यों अकड़ दिखा रही हो माँ जी, ये खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है। एक काम कीजिए, अभी मेरे हाथों का खाना खा लीजिए, बाद में अपने हाथों का बना हुआ खाना खा लेना। ऐसा कहकर शिल्पा खाने की थाली वहीं रखकर अपनी सहेली पूनम के घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम की सास ललिता कावेरी से मिलने उसके पास आती है। अब क्या बताऊं शिल्पा, तुझे मेरी सास ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब भी रसोई में जाती हूँ तो सीधा रसोई में पहुँच जाती है और अपने घरेलू नुस्खे मुझे बताने लगती है। अरे यही हाल मेरी सास का भी है, आता जाता कुछ है नहीं और जुबान दो हाथ की चलाती है। आज तो हद ही कर दी, एक तो जबरदस्ती खाना बनाया और उसमें भी दुनिया भर की मिर्ची। जब देखो मेरी रसोई में अपनी नाक घुसाती रहती है। अरे अगर इतना ही खाना बनाने का शौक है तो घर की सारी जिम्मेदारी खुद ही क्यों नहीं ले लेती। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, इससे अच्छा तो उन्हें ही घर की सारी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, तब समझ आएगा कि हम बहुएं घर को संभालने में कितनी मेहनत करती हैं। शिल्पा और पूनम दोनों ही अपनी सासों के बारे में बातें कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता कावेरी से कहती है, अरे बहन तुझे क्या बताऊं, ये आजकल की बहू सब्जी में मसाला इतना तेज डालती है कि खाया भी नहीं जाता। मेरी बहू तो जब देखो मेरे ही खाने में कमी निकालती रहती है। अरे भला हमने कितने सालों से खाना बनाया है, हमारी रसोई में कोई कमी कैसे हो सकती है। अरे ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए हैं हमने। इन बहुओं ने तो घर पर अपना राज ही समझ लिया है। काश कि हमें एक ऐसा मौका मिलता जिसमें हम अपनी बहुओं को ये दिखा पाते कि हमसे अच्छी तरह वह घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। वो चारों सास बहु एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में विक्रम पूनम के पति चिराग से बात कर रहा होता है और रमेश ललिता के पति दुर्गेश से बात कर रहा होता है। अरे हमारे घर की सबसे बड़ी समस्या तो ये सास बहु बन गई है, जब देखो खाने और रसोई के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे यही माहौल तो हमारे घर में भी बन रहा है, जब देखो सास बहू चूल्हे चौके के पीछे ही लड़ती रहती हैं। मैं तो कहता हूँ हमें इन सास बहुओं के कलेश को खत्म करने के लिए कोई समाधान निकालना चाहिए। समाधान तो तभी निकल सकता है जब घर की जिम्मेदारी सास और बहू दोनों में से किसी एक को मिले, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। तुम सही कहते हो, चलो आज इस बात का फैसला कर दिया जाए। चिराग, विक्रम और दुर्गेश, रमेश, वो चारों अपनी पत्नी पत्नियों को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं, देखो हम सभी तुम चारों की रोज रोज की बहस से थक गए हैं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक चुनौती रखी है। देखो घर की जिम्मेदारी कोई एक ही संभाल सकता है, इसलिए अब तुम चारों में से देखते हैं बहू जीतती है या फिर सास। हम दोनों इस चुनौती के लिए तैयार हैं।
अगर हमारी सास चुनौती के लिए तैयार हैं, तो हम दोनों भी अपनी सास से कम नहीं हैं। हम दोनों भी तैयार हैं। चारों सास और बहू चुनौती के लिए तैयार हो जाती हैं, तभी चिराग कहता है, तुम चारों सास बहू को 100 पिज्जा बनाना है और फिर उन्हें बनाकर खाना भी है। जो सबसे पहले पिज्जा बनाकर अपने पिज्जा खत्म करेगा वही चुनौती को जीतेगा। चिराग के इतना कहते ही एक तरफ दोनों सास पिज्जा बनाना शुरू करती हैं, तो दूसरी तरफ दोनों बहू पिज्जा बनाना शुरू कर देती हैं। दोनों बहू मिलकर एक के बाद एक पिज्जा बनाती रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों सासों से पिज्जा खाना तो बहुत दूर, वो पिज्जा बना भी नहीं पाती। देखते ही देखते वो दोनों सास उल्टे सीधे पिज्जा बनाकर रख देती हैं। वहीं पूनम और शिल्पा प्यारे प्यारे पिज्जा बना लेती हैं, जिसके बाद विक्रम उनके पूरे 100 पिज्जा काउंट करता है। अरे वाह, तुम दोनों ने मिलकर तो यहाँ पूरे 100 पिज्जा बना दिए हैं। अरे जरा यहाँ तो देखो, इन दोनों सासों ने तो पिज्जा का मलिंदा बना दिया है। ये पिज्जा है या फिर पराठा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिज्जा बनाते बनाते ही दोनों सास की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों हार मानते हैं। अरे अरे, ये पिज्जा बनाने का काम मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब और पिज्जा नहीं बना सकती। मैं एक काम करती हूँ, बाहर से 100 पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं माँ, पिज्जा बनाने की चुनौती है और उसके बाद आपको अपने ही बनाए पिज्जा खाने भी हैं। लेकिन आपने तो अपने ही पिज्जा नहीं बनाए। एक तरफ दोनों सास पराठे जैसे पिज्जा बनाकर थक जाती हैं, तो दूसरी तरफ दोनों बहू अपने बनाए हुए पिज्जा खाने लगती हैं। तभी दुर्गेश और रमेश अपनी बहुओं से कहते हैं, अरे अरे बहू बस करो, तुम दोनों ने तो नॉन स्टॉप लगी पड़ी हो। अरे बहू थोड़े पिज्जा हमारे लिए भी छोड़ देना, कहीं इस चुनौती के चलते तुम सारे पिज्जा अपने पेट में संभालो। अपने ससुर की बात सुनकर पूनम और शिल्पा दोनों ही पिज्जा खाते खाते रुक जाती हैं। देखा माँ जी आपने, मैंने कहा था ना, हर काम आपके बस की बात नहीं है। अरे हाँ बहू, सही कहा था तूने बिल्कुल। अरे आज से घर की सारी जिम्मेदारियाँ हमारे घर की बहुओं को मिलती है। उस दिन से घर की सभी जिम्मेदारियाँ पूनम और शिल्पा ही संभालने लगती हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों की सास उन दोनों के काम में अपनी नाक घुसाना बंद कर देती हैं और अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अक्सर कुछ चुनौतियाँ अकेले नहीं बल्कि पारिवारिक साझेदारी से ही सफल होती हैं, जैसा कि आपने इस कहानी के अंत में देखा। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियाँ तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो, अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली। शंभू चाचा आप? बहुरिया जरा जल्दी से चार कचौड़ियाँ और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियाँ बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्म पत्नी हूँ। जी क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियाँ देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया, इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है।
इसलिए ये घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपनी कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं, बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जाकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियाँ बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वही जमावाड़ा लगाते हैं जहाँ उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी, एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुँचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपा गप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेच कर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौड़ियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहु भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहु की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है, सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से एक प्लेट राज कचौड़ी बनाकर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है।
अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से दोगुनी चौगुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे, आज से आपका हमारे घर पर एक पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। कुसुम नाम की औरत अमरूद का ठेला लिए गली गली जाकर अमरूद बेच रही थी। अमरूद ले लो, अमरूद ताजा ताजा, खट्टे मीठे अमरूद ले लो, ऐसे अमरूद आपने कभी नहीं खाए होंगे, ले लो अमरूद ले लो। अमरूद वाले की आवाज सुनकर शांता अपने घर से बाहर आकर कहती है, अरे ऐसा क्या खास है तुम्हारे अमरूदों में जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रही हो? एक बार खा कर तो देखिए, बहुत मीठे हैं, छोटे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, बिना बीज वाले जो हैं। अच्छा जरा चखाओ। ये लीजिए खाइए। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो मैं अपने चिंटू मिंटू को ये जरूर खिलाऊंगी, उनके दांत में बीज भी नहीं फंसेगा। ऐसा करो 1 किलो दे दो। ये लीजिए। कुसुम उसे अमरूद देकर आगे अमरूद बेचने चली जाती है। अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे बीज रहित अमरूद ले लो, जो भी खाए उसे भाए। अरे रमन कीर्ति देखो वो आंटी मीठे मीठे अमरूद बेच रही हैं, चलो उनके पास जाकर अमरूद खरीद के खाते हैं। हाँ चलो। ये बोलते ही वो तीनों बच्चे उसके पास पहुंचकर अमरूद मांगते हैं। आंटी आंटी हमें अमरूद दो ना। हाँ हाँ लो बच्चों, तुम तो फ्री में ही ले लो मुझसे अमरूद। शुक्रिया आंटी हमें अमरूद देने के लिए। ये सुनकर कुसुम बच्चों को अमरूद दे देती है। बच्चों के अमरूद खाते ही वो बच्चे अमरूद बन जाते हैं, जिन्हें कुसुम अपने असली रूप में आकर टोकरी में रख लेती है। ऐसे ही गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों को अपने जादुई अमरूद खिलाती है, जिसे खाने के बाद बच्चे अमरूद बन जाते हैं और वो उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। बच्चों के गायब होने के बाद उनकी माँ उन्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है। शांता तो रोते रोते शाम तक अपने बच्चों को ढूंढती है, पर वो उसे न पेड़ के पास देखती है न उन बच्चों के दोस्तों के साथ। तभी वो एक रोती हुई औरत के पास पहुंचती है। अरे सुनिए सुनिए ना, आपने मेरे छोटे से बच्चे चिंटू को देखा है? उसने हरे कलर के कपड़े पहने थे। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा बेटा राजू भी गायब है और मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है, वो पेड़ के पास खेल रहा था लेकिन फिर अचानक कहाँ चला गया। मेरा बेटा भी गायब हो गया है, जाने किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं? आप दोनों परेशान मत हो, ये आप दोनों का बेटा जरूर मिलेगा। कोई तो है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है, मेरी बेटी भी कल से लापता है, पता नहीं कौन बच्चे चोरी कर रहा है। भाई साहब आप कुछ कीजिए, सरपंच जी से बात कीजिए ना कि हमारे बच्चे को वो ढूंढे किसी तरह। हाँ हाँ मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही सुमित सरपंच के पास जाकर उसे सब बताता है, तो सरपंच कहता है, मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि गांव के बच्चे आखिर कहाँ जा सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता था कि बच्चे गायब हैं? वो अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तो मुझे पता चला है। जब आपको सब पता है तो फिर ढूंढिए ना बच्चों को, सबके माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी बेटी भी गायब है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ।
सरपंच की बात सुनकर सुमित वहां से चला जाता है। आखिर बच्चे की बात सुनकर सरपंच इतना घबरा क्यों गया था और चुड़ैल बच्चों को अमरूद खिलाकर ऐसे क्यों गायब कर रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चुड़ैल और भी बच्चों को अमरूद खिलाकर उन्हें अमरूद बनाती है और उठाकर ले जाती है। सुबह सुबह एक बच्चा गाय को रोटी खिलाने गया था, तभी चुड़ैल की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे बेटा सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंटी मैं गाय की रोटी खिलाने आया हूँ। अच्छा तुमने अमरूद खाया है क्या? मेरे पास एक जादुई अमरूद है, क्या तुम उसको खाना चाहते हो? बहुत मीठा है। सच्ची आंटी मुझे भी खिलाइए ना, मैं भी खाऊंगा। मयंक की बात सुनकर चुड़ैल उसे जैसे ही अमरूद खिलाती है तो वो भी एक अमरूद में बदल जाता है। चुड़ैल उस अमरूद को एक अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है और जादू से बाकी के अमरूदों की टोकरी हाथ में लेकर कहती है, अब जो मैं चाहती थी वो होकर ही रहेगा। इन सभी अमरूद बच्चों को मैं इस पेड़ में समा दूंगी, जिसके बाद ही कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल द्वारा मयंक को अमरूद बनाता देख शांता और सुमित देख लेते हैं। तभी वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुला लेते हैं और उस चुड़ैल के पास जाकर कहते हैं, ओह तो तुम ही हो अमरूद बेचने वाली औरत जिसने मेरे बच्चे को गायब किया है, बल्कि हर गांव के बच्चे को गायब किया है। अच्छा तो तुम्हें पता लग गया क्या? लेकिन अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी वापस नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। ए चुड़ैल बेहतर होगा कि तू सारे बच्चों को वापस कर दे, वरना मैं तांत्रिक को बुलाकर जो करूँगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? किसी और का बदला हमसे क्यों ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को इस सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है ये कैसा सरपंच है, मैं इसकी असलियत आज तुम्हें बताती हूँ। 1 साल पहले इसने मेरे 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। मैं पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढती रही और बाद में पता चला कि सरपंच ने मेरे बेटे का सौदा कर दिया। उस दिन मैं इसके घर गई। कुसुम के बेटे से तो हमारा बहुत फायदा हुआ है, पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गांव के और भी बच्चों का सौदा कर दूं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मालिक आइडिया तो अच्छा है। ये बात सुनकर कुसुम तिलमिला जाती है और सरपंच का गिरेबान पकड़ लेती है। नीच पापी दुष्ट, आह दुष्ट आदमी, तूने मेरे मासूम बच्चे को गायब करके बेच दिया। एक माँ को तूने उसकी औलाद से दूर कर दिया और यही तू बाकी लोगों के साथ करेगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने यहाँ आकर सब सुन लिया, अब तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये बोलते सरपंच कुसुम को अपने घर के बाहर वाले अमरूद के पेड़ पर फांसी लगवा देता है, जिसके बाद कुसुम वहाँ तड़प कर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया और मुझे मार डाला, इसीलिए मैं तुम सबके बच्चों को बचाना चाहती थी और उसके लिए मैंने उन्हें अमरूद खिलाकर अमरूद बना दिया, ताकि ये कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। देखो तुमने हमारे बच्चों को इस दुष्ट सरपंच से बचाया, हम समझ गए, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो सोचो। बच्चों को भी तो हमारी याद आ रही होगी। अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उनका भी सौदा कर देगा। ये क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है ये चुड़ैल। इस सरपंच ने तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसीलिए हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों जरा इसके गले में जूतों की वरमाला तो पहनाओ। गांव के लोग सरपंच का मुंह काला करके उसके गले में जूतों की वरमाला डालते हैं, फिर उसे बहुत मारते हैं और ताने कसते हैं। अब तो हमारे बच्चों को पहले जैसा बना दो, ये सरपंच अब से हमारे गाँव का सरपंच नहीं रहेगा। क्यों गाँव वालों? नहीं रहेगा। ये हमारा सरपंच ना ही रहेगा। ठीक है तो अब मैं तुम सबके बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना रही हूँ, और अब से अपने बच्चों का ख्याल रखना, अब मुझे चलना होगा। ये कहते ही अमरूद वाली चुड़ैल बच्चों को पहले जैसा बना देती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है।